लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुनिए, आप सब बैरस के पीछे से आइए, चुपचाप। अरे सर, हम तो आ ही गए हैं, लेकिन बॉडी कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए तो एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी ना। कैसे? एक सेकंड। सुनो, हमारे फॉरेन गेस्ट हैं, कोई हल्ला नहीं होना। जी जनाब, बिल्कुल चुपचाप। बेहतर जनाब, अपना काम कीजिए। ओके, जय हिंद जनाब। हाँ, क्या हुआ? अरे आपके बेटे ने किसी को फोन वोन किया है क्या? अरे वो किसको फोन करेगा, किसी को जानता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जो भी है, आप पीछे पीछे से नहीं जाएंगे, सामने से जाएंगे। आप एम्बुलेंस मंगाओ। और भाई सुनो, फोरेंसिक वालों को, फोटोग्राफर को फोन करो। अरे शीशी छोड़िए, आप बताइए वो कहाँ रखी डेड बॉडी। और सुनो, इस होटल से अब कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सर जी, आपके बेटे ने बयान दिया है कि उसने आत्मरक्षा में उसे गलती से मार दिया। और जो पैसे हमने आपको दिए हैं वो इस फोन कॉल से थोड़ा कम पड़ गए आपके पैसे। चलो बताओ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे भैया, एक बढ़िया सी चाय बनाना, सामान ले। हाँ बस थोड़ा सा है, लेकिन होटल में रहना है, समझ। He's the baba, he's the baba, he's the baba. Le aaya tera baap. Took a pistol and went off. So nothing to worry about, really. Tragic but true. पुलिस में बयान देके आया हूँ। अगर मुझे या सुहानी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप और आपका बेटा विजय सिंह होगा। चलो सर। अरे वो रूम की साफ सफाई कर दी ना। हेलो सर। मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, शाम तक लौटूंगा। 0 डायल करके कुछ भी मंगा लेना। घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो गोली चलनी थी चल चुकी है। हमारे यहां आने से कोई खुश नहीं है, लेकिन मैं उनकी हिम्मत तोड़ चुका हूं। सिर्फ अगर मां आएगी तो मुंह से कुछ भी बोलेगी, लेकिन जान नहीं लेगी तुम्हारी। ध्यान से काम नहीं कर रहे। वो जो रूम नंबर 124 है, उसके गेस्ट ने कंप्लेन की हुई है सर, कि सारे के सारे तकिए जिसके कवर्स होते हैं। भाई सर, मैं बाहर जा रहा हूँ सुहानी कमरे में। जब मैं वापस आऊं तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, इसलिए अपनी शक्ल को उसकी नजरों से दूर रखना, समझे? जी भाई साहब। चला थैंक यू सो मच माधवी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपनों ने वार किया। बताइए, कोई बहुत बड़ी जरूरत रही होगी शायद। आप बनी अंकल से ये जमीन, ये किला खरीदना चाहते थे ना? बनी अंकल मान गए। कब तक दे सकते हैं आप पैसे? बनी अंकल से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये गुजारिश मैंने तो नहीं की। ऐसा लगता है आपको और बनी अंकल दोनों को मुझसे कुछ काम है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते आप। आपका सारा काम हो जाएगा। बनी अंकल को पैसे मैं दिलवा दूंगी, सारी क्लियरेंस भी करवा दूंगी, फिर आपके सपनों के महल को बनने में जितना वक्त लगे सो लगे। हमारा एक काम अगर आप करते तो। जो काम आप नहीं कर सकती, वो काम बेहद पेचीदा होगा,
हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए शायद ना हो। किसी की जान लेनी है, हम करेंगे तो सीधा शक हम पे जाएगा। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। उनसे? साहिब से, आदित्य प्रताप से, हमारे साहिब। आप करेंगे हमारा ये काम? हम तो काम के बदले में काम मांग रहे हैं। अगर हम आपको अपनी कहानी सुनाएं, तो आप शायद इंसानियत के नाते हमारा ये काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। जब से साहब हमारी जिंदगी में आए हैं, सुनिए, देखिए, मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं हमारे समझौते में गलत असर ना पड़ जाए। हमने जाने तो काफी ली है, लेकिन अपने हाथों से नहीं। अगर साहेब एक खेल खेलने के लिए तैयार हो जाए, तो वो अपनी जान खुद अपने हाथों से ले लेंगे। आदित्य प्रताप को मैं खुद मारना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है। इस किले को तुम्हारे नाम करने की पेपर तैयार करता हूं। कब मारोगे उसे? ये नहीं मारेंगे साहब, खुद अपने आप को मारेंगे, अगर वो एक खेल खेलने को राजी हो जाए। पर क्यों खेलेंगे वो ये खेल? ये आदमी ये खेल तब खेलता है जब बहुत बड़ी मजबूरी में होता है, या फिर होश में नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद जर्नलिज्म किया। सीरियस टाइप, वेजिटेरियन, हर 3 महीने में तिरुपति जाता है। और ये नेहा, वेरी एम्बिशियस, डिवोर्स्ड, नॉट मेनी पीपल लाइक हर। पंचों की क्या राय है? ये मैटर कोर्ट में पिछले 15 साल से चल रहा था। आदित्य प्रताप सिंह ने इसे आधे घंटे में निपटा दिया। Clearly proves that Mr. Aditya Pratap Singh is gaining popularity within the royal families across the country. अब तक 225 royal families ने साहब की petition पर दस्तखत कर दिए हैं। He's a man of substance and not just charisma, and that is why thousands of his people take his words as God said. Clearly. ये एक चुनावी दाव है। It's a fight for honor. Aditya Pratap Singh, जिन्हें कोर्ट ने मर्डर केस से बरी कर दिया है, आने वाले elections की तैयारी में है। कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें टिकट देने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से हवा बना रहा है। अपनी अगला इलेक्शन जीतना चाहता है। बड़ा खतरनाक है ये आदमी, जीत गया तो सबसे बदला लेगा। एक आधा बयान दे देते हैं उसके खिलाफ। करेक्ट, एक भी बड़ी रियासत उसके साथ नहीं है। अगर हम सब मिलकर बयान दे दें कि हम इसके टीवी पर इसके मुद्दे को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या औकात रह जाएगी इसकी? नहीं, जो भी राजघराने उसका साथ दे रहे हैं, उनकी नजरों में हम गिर जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आपके शोहर को मेरे डैड का सपोर्ट चाहिए, और मेरे डैड को मुझसे छुटकारा। अरे लगाइए कोई तरकीब और खत्म कीजिए इस मसले को। मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, की बात सुनना। जिम्मेदारी अगर बोझ लगे, उसे हल्का करने के लिए। कि मेरा मुंह बंद करने के लिए? मुझे पता है मेरी भतीजी को किसने मारा है। रंजना को आपने मारा है। तेरी भतीजी को भी नहीं पता कि उसे किसने मारा है? मुझे भी नहीं पता चलेगा।
अब सुन, परसों परसों तुम घर आओगे, समझे? बस निकल ही रहे हैं हम, पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं, प्लीज प्लीज निराश मत करिएगा। पॉसिबल नहीं होगा आदित्य जी, अगर माधवी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो पार्टी किसी पुराने वर्कर को टिकट देगी। लोगों का सपोर्ट है हमें और मीडिया का भी, आप देख ही रहे होंगे टीवी पर कितने अच्छे भी दिख रहे हैं ये, पार्टी को एक नया चेहरा मिलेगा। पार्टी सब समझती है माधवी, और फिर ये फूल के मामले से भी बरी हुए। बरी तो हो गए हैं ना। फिर वही बात आदित्य, आपको अभी सिर्फ छोटे मोटे घराने सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बड़े घरानों का सपोर्ट मिले तो पार्टी को आपकी अहमियत समझ में आएगी। थोड़ा आवाज जोर लगाइए। तो माधवी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ सर, बस घर पे आराम कर रही हूँ। रॉबी क्या हुआ? रंजना ठीक है जी? वो क्या साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या? कुछ बात करनी। पैसे? पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ बात। बोलो बोलो। वो दाऊ साहब को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया। अरे पागल हो गए तुम, नशा करके आए हो? नहीं, नशा करके आए हो ना तुम हमको मारने का? जी, वो तुमको बता दिया? नहीं, हमने उनकी बातें सुनी है। किससे बात करते सुना तुमने? बूंदीगढ़ के बड़े युवराज है ना, उदय प्रताप, वो जो इंग्लैंड से आए, उनसे। वही मारेंगे आपको। और वो क्यों मारेंगे हमको? क्योंकि दाऊ साहब उनको हमारा किला, हमारी सारी जमीन दे रहे हैं। देखिए आपका क्या होगा पता नहीं, मेरा क्या होगा? काम करो, तुम घर जाओ, किसी को कुछ नहीं। चलो, आपको ख्याल रखना है इनका। मैं ख्याल रखूंगी, तुम चलो। रॉबी साहब, अरे जाओ ना, जाओ निकलो। एक नंबर का नशेड़ी है ये, सबसे पैसे मांगता फिरता है। आप प्लीज इसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। पर पैसे तो मांगे नहीं इसने, इसलिए ये बनी अंकल थोड़ा सठी आ गया है, कर भी सकता है। मैं काम करती हूँ, मैं दोनों के फोन टैप करवाती हूँ, आप प्लीज प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। पुरानी बातें भूल जाए हरि सिंह जी, हम आपसे छोटी सी मदद मांग रहे हैं, सिर्फ साइन करना है हमारी पिटीशन पे। इसकी तो गर्लफ्रेंड है। किसकी? उदय सिंह जी की। कौन? सुहानी। सुहानी? हाँ। हरि सिंह जी, आप सबने पूछा तक नहीं जब हम जेल में थे, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, पर आज भी हमारे अंदर आपके लिए वही इज्जत है। साहब, साहब जल्दी चलिए, दीपल को कुछ मिला है। हम करते हैं, आके मिलते हैं आपको महल में। चलिए। कैसे हो? जी ठीक, जमीन के पेपर्स तैयार कर दिए हैं। कुछ सोचा? हाँ, आपने रशियन रूले के बारे में सुना है? इसे मौत का खेल कहते हैं। मैं आदित्य को ये खेल खेलने के लिए चैलेंज करूंगा। लेकिन आदित्य, ये मौत का खेल खेलेगा क्यों? आजकल राजा से सम्राट बनने का गुरूर चढ़ा हुआ है उसे, इस गुरूर पर अगर शराब चढ़ा दिया जाए तो शायद तैयार हो जाएगा, वरना और कुछ सोचते हैं। देख लो कोशिश करके। जी सोचता हूँ कुछ। अजीब बेवकूफ आदमी है, हम क्यों खेलेंगे ये खेल? आप ये खेल खेलिएगा साहब, हम ऐसी तैयारी करेंगे कि उदय खुद अपने आप को मारेगा गोली। उदय मरे या जी, हमें क्या फर्क पड़ता है? हरि सिंह जी को पड़ता है, क्योंकि उदय उनसे जायदाद का हिस्सा मांग रहा है और हरि सिंह देना नहीं चाहते, इसलिए हरि सिंह चाहते हैं कि उदय खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं ये सब छोड़ो। साहब अगर आप ये खेल खेलेंगे तो हरि सिंह आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाएंगे, और एक बार वो तैयार हो गए तो बाकी के रजवाड़े तो अपने आप ही। पर ये होगा कब?
जिस दिन आप और आपके करीबी दोस्त हमें अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे, उस दिन हम अपने गुरूर के नशे में भी होंगे और शराब के भी। उदय को ऐसे ही एक मौके की तलाश है। उदय इस गेम का एक्सपर्ट है, गोली आदित्य को भी लग सकती है। हमने पता किया इस खेल के बारे में, 6 ग्लासेस रखे जाते हैं जिसमें से 5 में पानी होता है और 1 में वोडका। जो वोडका का ग्लास पहले उठाता है, रिवॉल्वर का सिलेंडर वही घुमाता है और दूसरे को रिवॉल्वर सर पे लगानी पड़ती है। करेक्ट? करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ बाहर बैठकर बियर इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपके पैलेस की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। वो जनरेटर ऑफ हो गया होगा, ऐसे लाइट आता जाती रहती है ना। उस दिन भी जाएगी, गेम शुरू होते फिर। क्योंकि उदय इस खेल का एक्सपर्ट है, वो वोडका के ग्लास को पहचान लेगा और रिवॉल्वर हमें उठानी पड़ेगी। रिवॉल्वर में 6 शॉट्स होते हैं, इसका मतलब है कि हमारे लिए पहले, तीसरे और 5वें खाने में गोली। हमारी जेब में आपकी पुश्तैनी रिवॉल्वर जैसी एक और रिवॉल्वर रखी होगी जिसके दूसरे, चौथे और 6ठे खाने में गोली होगी। खेल शुरू होगा, लाइट जाएगी और हम रिवॉल्वर बदल देंगे। उसके बाद जो गोली चलेगी उसमें हम सबके दिवाले। प्रणाम। मासा। हेलो बेटा। आप फिर से भूल गई? चलिए। 2 गोली क्यों? हाँ, ब्लड प्रेशर की है, बहुत जरूरी है। मैं थक गई हूँ गोलियां खाकर। चलिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, पूरी पार्टी आपके साथ है। कांग्रेचुलेशंस। अभी कहाँ जा रही हो? हाँ, अगर अभी नहीं गई तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज जाएंगे। रुको माधवी जी, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। मैंने कहा ना रुको।